Hey guys, thanks for watching MP Education. Today we are going to discuss class 10 trigonometry, maths trigonometry part 1. ठीक है, तो इस चैप्टर में सभी का टेंशन, सर इज इट टफ, ये क्या बहुत इजी है, क्योंकि ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दैट यू गॉट ऑलरेडी, बट ट्रिगोनोमेट्री दिस इज योर फर्स्ट टाइम, राइट? तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है चैप्टर में, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है. Just you have to understand the facts. ठीक है, trigonometry कहाँ पे apply करता है? First option, first question that comes to your mind कि trigonometry का use क्या है? देखो, कोई भी जो device है ना, device trigonometry ratios के ऊपर या फिर trigonometry का help से ही बनता है. तुम अगर मानते हो कि suppose हिमालय पर्वत जो है, उसका जो distance निकाला या फिर height निकाला, वो क्या कोई जाके at the top of the हिमालय गया और वहाँ से रस्सी फेंका? वैसे डिस्टेंस मेजर तो नहीं किया ऑब्वियसली. तो देयर आर सर्टेन टेक्निक्स जहां पे ट्रिगोनोमेट्री यूज करके इफ यू डोंट रीच द हाईएस्ट पॉइंट, वैसे जो मैंने टेक्निक बोला वैसे नहीं करने से भी ट्रिगोनोमेट्री से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब कितना हाइट है, ठीक है? या फिर बाय लुकिंग एट द शैडो. हां, सपोज ये मेरा बिल्डिंग है, बिल्डिंग का पीछे से अगर सन है, अगर शैडो गिरा है सामने, तो by looking at the shadow we can find the height of the building. ठीक है, ये तो खैर छोटा building है, बड़ा बड़ा building में कैसे distance निकालते हैं, ऐसे करके निकालते हैं. That means there are some equipments, some devices जहाँ पे trigonometry का apply होता है. ठीक है, तो trigonometry basically क्या है उसके जानने से पहले देखो, trigonometry जब भी तुम्हारा आएगा for class 10, you have to make sure कि ये rectangle triangle के ऊपर है. ठीक है, फॉर क्लास टेबल 10 लेवल तुम लोग ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करोगे किस पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे. ठीक है, सो इफ आई कंसीडर व्हाट इज द राइट एंगल ट्रायंगल, आई थिंक यू ऑल नो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, राइट? अच्छा, तो सपोज मैं अगर ये मान लो 4 है, ये मान लो 3 है, ठीक है, तो बाय लुकिंग, अच्छा जब भी तुम्हें वो है पाइथागोरस थ्योरम याद आता है, जब भी तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल का बात होता है, राइट? तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करते हो, व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम से कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब एसी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, राइट? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर का समान होगा, राइट? मतलब आउट ऑफ एनी थ्री साइड्स, अगर दो साइड हम लोगों को पता है, वी कैन फाइंड आउट द थर्ड साइड, यस और नो? पाइथागोरस थ्योरम क्या हेल्प करता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी दो साइड अगर पता है, कोई भी दो साइड, मैंने यहाँ पे 3 और 4 दिया, सपोज यहाँ पे मैंने 3 नहीं दिया, यहाँ पे 4 और 5 दिया, ठीक है? अगर इफ यू पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन यू विल गेट द थर्ड वैल्यू, द अननोन वैल्यू, राइट? लेकिन मैं वही क्वेश्चन अगर ऐसे पूछू कि सपोज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये से 3 है, ठीक है, और ये है एंगल 30 डिग्री, राइट? ये 3 है और ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है? तो बाय लुकिंग एट द फिगर कैन यू टेल राइट एंगल है, ऑब्वियसली ये 90 डिग्री तो हो गई. अगर मैं बोलूं यहां से तुमको मुझे ये निकालना है और ये वाला निकालना है, कैन यू फाइंड आउट, कैन यू फाइंड आउट? भाई देखो, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आता है हम लोगों को दिमाग में क्या आता है, पाइथागोरस थ्योरम. और पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ किसके ऊपर डील करता है, साइड्स के साइड्स के ऊपर डील करता है. यहाँ पे ये साइड्स, एक साइड पता है, एक एंगल पता है, सो हाउ विल यू गेट द वैल्यूज ऑफ अदर टू साइड्स, यू विल नॉट, राइट? यू कैन नॉट फाइंड विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. दैट मींस ट्रिगोनोमेट्री क्या करता है, ये जो साइड है, देखो जितना तक अभी तक टिल आज का क्लास से पहले तक तुम लोगों ने क्या किया था, आइदर साइड साइड का या फिर एंगल एंगल का रिलेशन निकाला, राइट? यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम किस में है, साइड और साइड में अप्लाई होता है, राइट एंगल या फिर तुमने जब सिमिलैरिटी किया था तो एंगल और एंगल में बात, मतलब दो एंगल पता है रेशियो निकाल के वैसा किया था कुछ. मतलब ट्रिगोनोमेट्री क्या करता है, दैट गिव्स अ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल. कोई भी अगर ट्रायंगल का एक साइड और एक एंगल पता है, देन
definitely there is a way by which you can find the other two sides, right? That who gives us that? Trigonometry gives us that. ठीक है? तो trigonometry basically क्या है? It is a relation between sides and angle. ये informal definition है, हाँ? ऐसे कोई formally ऐसे नहीं लिखते हैं, but ये मुद्दा बात है, basic बात है. Sides and angle. It gives a relationship. It gives a relationship between sides and angles. ठीक है? तो ये जो मैंने बोला साइड और एंगल का जो रिलेशनशिप देता है वो ट्रिगोनोमेट्री हेल्प करता है. तो उसके लिए हम लोगों को जानना पड़ेगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज. ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मतलब क्या है? अभी रेशियो मतलब वो जो साइड्स और एंगल. देखो, बिफोर गोइंग इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, लेट मी क्लियर वन मोर थिंग. सपोज व्हेन आई, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो निकाला हमने और जो निकालेंगे उसमें याद रखना हमेशा एक्यूट एंगल के ऊपर होता है. तो देखो ये अगर 90 डिग्री है तो दीज टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल, राइट? एक्यूट एंगल मतलब क्या है? एंगल व्हिच इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब दीज टू एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री. तब देखो एक जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें क्या रहता है? बेस रहता है. थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर, राइट? तो एक बेस रहेगा, एक ऑल्टीट्यूड रहेगा, एक हाइपोटेन्यूज रहेगा. तो रही बात हाइपोटेन्यूज की, वो तो क्या होगा, 90 डिग्री का ऑपोजिट को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं. ठीक है, अभी डिपेंड करता है बेस. जनरली हम लोग बेस किसको लेते हैं? इसको लेते हैं, और ऑल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर इसको लेते हैं, राइट? लेकिन डिपेंड करता है, अगर इफ यू कंसिडर दिस एंगल, ठीक है, सी ये एंगल का ऑपोजिट जो साइड है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसका बगल वाला मतलब जो इसका नीचे वाला साइड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेस बोल के डिक्लेयर करेंगे. ठीक है, दिस इज द लॉजिक. एंड इफ यू कंसिडर दिस, मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, इसका अगर मैंने ये एंगल कंसिडर किया, ठीक है, तो इसका ऑपोजिट जो साइड है वो हो जाएगा हमारे लिए परपेंडिकुलर, और इसका बगल वाला जो साइड है, इसका एडजेसेंट जो साइड है वो हो जाएगा हमारे लिए बेस, और हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा. दिस इज योर हाइपोटेनस. क्लियर दिस मच? बेस और परपेंडिकुलर का कांसेप्ट क्लियर कर लो. जो इसका जो एंगल हम लोग कंसिडर करेंगे उसका ऑपोजिट वाला साइड जो है वो परपेंडिकुलर, और उसका बगल वाला साइड क्या होगा? बेस. सिमिलरली इसका अगर इफ यू कंसिडर एंगल ए, देन दिस इज द ऑपोजिट साइड इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर बेस. ठीक है, क्लियर दिस मच? नाउ कमिंग टू द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज. तो ये जो मैंने बोला ट्रिगोनोमेट्री क्या हेल्प करता है कि रिलेशन देता है बिटवीन साइड्स एंड एंगल, राइट? तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज बेसिकली डज दैट. ट्रिगोनोमेट्री तो एक चैप्टर का नाम है, या फिर अप्लाई कैसे करते हैं, जैसे हम लोग ज्योमेट्री बोलते हैं, तो ज्योमेट्री के अंदर दो टाइप का ज्योमेट्री होता है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट? दोनों ही हमने किया है. तो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर क्या आता है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज. तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या हेल्प करता है? वो हेल्प करता है ये, ठीक है, गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल. ठीक है, जैसे अभी देखो कोई भी साइड्स को हम लोग जैसे एक्स पकड़ लेते थे, कोई भी एंगल को हम लोग क्या पकड़ लेंगे? थीटा. ठीक है, सो लेट अस कंसिडर दिस ट्रायंगल, ठीक है, एंड दिस टू बी थीटा. ठीक है, कोई भी थीटा कैन बी एनीथिंग, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, मतलब कोई भी एंगल हम लोग वेरिएबल को एक्स की जगह क्या लेते हैं? थीटा लेते हैं बाय कन्वेंशन. ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कितना है? देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज. क्या क्या? नंबर 1 इज योर साइन, ऐसा यानी. नंबर 2 इज योर कोसाइन, ठीक है. नंबर 3 टेंजेंट, ठीक है. नंबर 4 कोटेंजेंट. नंबर 5 इज योर सेकंड, और नंबर 6 इज योर कोसेकंड. ठीक है, ये है तुम्हारा 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज. अभी
इसको हम लोग पूरा पूरा नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबा है, इसका हम लोग छोटा छोटा वर्जन नहीं लिखेंगे। जैसे साइन का पहला तीन लेटर लेंगे, क्या होगा वो साइन को साइन, एस आई एन, इसको सीन मत बोलना, प्रोनाउंस करते हैं साइन। ये अगर कोसाइन है पहला तीन लेंगे तो ये बन जाएगा कॉस। ये टेंजेंट का पहला तीन लेंगे वो हो जाएगा टेन। कोटेंजेंट का पहला तीन लेंगे वो होगा कॉट, ठीक है। सेकेंड का पहला थ्री लेंगे वो होगा सेक, ठीक है। और कोसेक का पहला तीन अगर लेते हो तो ये कॉस और ये कॉस में क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए हम लोग कोसेक लेते हैं, ठीक है, कोसेक। तो तुमको कैसे याद रखना है, सीरियली याद रखना, क्या है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। ऐसे थोड़ा दो बार रिवाइज कर लो, हो जाएगा साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। तो ऐसे करके ये तुमको जानना है, ठीक है। अभी याद रखना, जैसे ऐसे ये अगर मैंने लिखा डिग्री, डिग्री का कोई वैल्यू है क्या, जब तक यहाँ पे मैं ना लिखूंगी 20 डिग्री, डिग्री हैज नो सिग्निफिकेंस, राइट। वैसे ही साइन कॉस टेन कॉट ये जो लिखा है ये अकेले कोई वैल्यू काम नहीं करता, ठीक है। व्हाट वी हैव टू राइट, वी हैव टू राइट एंगल अलोंग विद साइन, जैसे साइन थीटा, ठीक है, साइन ऑफ थीटा। सिमिलरली कॉस क्या है, कॉस ऑफ थीटा, मतलब कॉस का अकेले का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उसके साथ कुछ एंगल हमेशा रहना पड़ेगा, एंड दैट एंगल इज थीटा। टेन के साथ क्या होगा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। मतलब थीटा की जगह टेन टेन साइन, साइन टेन डिग्री, साइन थर्टी डिग्री, साइन फोर्टी डिग्री, मतलब साइन अकेले कहीं पे काम नहीं आएगा, साइन के साथ हमेशा एक क्या रहेगा, एंगल रहेगा, ठीक है, समझ में आया। तो देखो एक पुराना कहावत या फिर एक फंडामेंटल, जैसे तुमको याद करना है ना, हमको क्या चाहिए, ये तीनों का रिलेशनशिप चाहिए। देखो एक रेक्टेंगल ट्रायंगल में तीन चीज रहेगा, एक होगा तुम्हारा बेस, एक होगा परपेंडिकुलर, एक होगा हाइपोटेनस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गेव द रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल, तो ये हो गया चलो एंगल। अभी साइड्स का कुछ रिलेशन निकालेंगे ना, तो साइड्स मतलब एक रेक्टेंगल ट्रायंगल का साइड्स क्या क्या हो सकता है, एक हो सकता है हाइपोटेनस, एक हो सकता है बेस, एक हो सकता है परपेंडिकुलर, इन तीनों के ऊपर ही हम लोग डील करेंगे, राइट। तो एक कहावत या फिर एक चीज तुमको याद रखना है, तो क्या है वो चीज, देखो सम, ये पूछ देता है, सम पीपल हैव, एक कहावत, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली, परमानेंटली ब्लैक, ठीक है। इसका कोई मीनिंग वैसे तो बनता नहीं है, क्या है, लिटरल मीनिंग कुछ नहीं है, एक सेंटेंस है, क्या है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। तो इसको देखो, मैंने क्या बोला, साइन का कुछ एक वैल्यू होगा, कॉस का इस सब का कुछ वैल्यू होगा, तो उसके उसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, सम पीपल हैव, सम पीपल हैव मतलब साइन, एस फॉर साइन, पीपल मतलब परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, दिस इज एच मींस हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस, ठीक है, या फिर ई बाय एच, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं अभी, कर्ली, ये हो गया कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली मींस कॉस, तो ये होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेन्यूस, तो ये बन जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है। टेन, टेन के लिए टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक मतलब टेंजेंट का क्या होगा, परमानेंटली मतलब परपेंडिकुलर, और ब्लैक मतलब बेस, पी बाई पी, हो गया। तो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, तो अभी बोलोगे सर ये तो तीनों का पता चला, बाकी का कहाँ मिलेगा, मिलेगा ना, याद रखना
साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक, ठीक है। कॉस का उल्टा होता है सेकंड और टेन का उल्टा होता है कॉट, ठीक है। तो इसी को ही अप्लाई करेंगे। टेन का उल्टा क्या है? कॉट। कॉट किसका उल्टा है? टेन का उल्टा है, मतलब ये हो जाएगा बी बाई टी, राइट। सेक किसका उल्टा है? कॉस का। कॉस है बी बाई एच, तो ये हो जाएगा एच बाई बी। और उसे किसका उल्टा है? साइन का उल्टा है, तो ये होगा एच बाई पी, राइट। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक मिल गया, ठीक है। समझ में आया ना? ओके, अभी देखो मैं यहां पे जो करूंगा, यहां पे मैं पी बाई एच लिखता हूं, पी बाई एच, ठीक है। अभी देखो मैं अगर इस ट्रायंगल को कंसिडर करता हूं, कीपिंग दिस ट्रायंगल टू बी इन माय माइंड, अगर मैं लिखता हूं तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? थीटा ये है, परपेंडिकुलर ये है, मतलब क्या लिखेंगे हम लोग? ए बी बाई हाइपोटेनस क्या होगा? ए सी। सिमिलरली कॉस का क्या है? बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस क्या है? बी सी। बी सी बाई हाइपोटेनस क्या है? ए सी। ओके फाइन। टेन का क्या है? परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर ए बी और ये बी सी, तो ए बी बाई बी सी। सिमिलरली कॉट के लिए, कॉट के लिए क्या होगा? बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है? बी सी बाई ए बी। सेक किसका उल्टा है? कॉस का उल्टा है, तो ये क्या हो गया? ए सी बाई बी सी। और कोसेक किसका उल्टा है? कोसेक किसका उल्टा है? साइन का, मतलब ए सी बाई, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला था, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या करता है? इट गिव्स अ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल, तो ये हो गया साइड्स और ये हो गया एंगल। साइन ऑफ समथिंग सम डिग्री मतलब क्या है? एंगल। तो दिया कि नहीं रिलेशनशिप? ये तीनों का रिलेशनशिप अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से हम लोग निकाल सकते हैं। बेसिकली दिस थ्री आर द इंपॉर्टेंट, उसका ही ऑपोजिट ये है, ठीक है। समझ में आया इतना तक? अगर समझ में आया तो तुम्हारा अभी का काम क्या है? मैंने क्या किया है, रुको, मैंने ये ट्रायंगल को लेके इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तुमको बनाना सिखा दिया। अभी व्हाट इज योर वर्क? तुम अभी ये ट्रायंगल लोगे, सपोज ये है एक्स वाई जेड, ठीक है। तुम इस एंगल को थीटा लोगे, ठीक है। तो इस एंगल को थीटा लेने से बेस बदल जाएगा, इसका ये वाला हो जाएगा बेस, ठीक है, और इसका ऑपोजिट वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये तो चलो हाइपोटेनस हो गई। इसी को लेके तुम क्या निकालोगे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। इस सबका वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड निकालो। सम पीपल हैव, साइन का क्या होगा? सम पीपल हैव मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मतलब वाई जेड बाई एक्स जेड, ऐसे करके सबका तुम निकालोगे, कीपिंग दिस टू बी थीटा, ठीक है। एक बार इसको लेके मैंने क्या है, अभी तुम इसको लेके सारा कंप्लीट करो तो तुम्हारा इजी हो जाएगा। चल मैं एक चीज मैं बोल देता हूं यहां पे नोट कि साइन थीटा है दैट डज नॉट इक्वल टू साइन इनटू थीटा, मतलब ऐसा मत समझना जैसे हम लोग 2x लिखते हैं ना, 2x मतलब क्या होता है? 2 इनटू x होता है। सिमिलरली साइन थीटा का मतलब वो नहीं है, साइन इनटू थीटा नहीं है, इसको जस्ट उसके साथ एंगल के साथ लिखते हैं, उसका इनटू नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। ये चीज याद रखना, यह नंबर वन। नंबर टू, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ थीटा, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ थीटा मतलब दैट इज नॉट इक्वल टू साइन वन बाय थीटा, ठीक है। ऐसे क्या होता है जनरली x टू द पावर माइनस वन होने से वन बाई एक्स लिखते हैं ना, लेकिन अगर ऐसे लिखे x टू द पावर माइनस वन थीटा इज नॉट इक्वल टू दिस, ठीक है,
इसका मीनिंग ये नहीं है। कौन सा मीनिंग है ये? सपोज साइन थीटा का ऊपर इनवर्स है, मतलब माइनस वन है, तब वो लिख सकते हैं वन बाई साइन थीटा। ठीक है, ऐसा तो तुम बोलोगे सर ये तो सेम ही बात हुआ। नहीं, सेम बात नहीं है, डिफरेंस बहुत है। व्हेन यू गो इन क्लास 11 12 देन यू विल अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ऐसा कभी मत लिखना, ये तुम्हारा आउट ऑफ सिलेबस ही है, ये इस बार के लिए ये सिलेबस में है, कहीं जरूरत पड़ेगा तुम्हें। समझ में आया? साइन ऑफ वन मतलब वन बाई थीटा, वो होगा वन बाई साइन थीटा। ठीक है, उसी का हम लोग वन बाई साइन थीटा को क्या बोलेंगे? कॉस थीटा। ठीक है, मोर थ्री इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आई विल गिव, जो फॉर्मूला मैंने बोला है लेकिन डिस्कस तो नहीं किया। साइन कॉस टेन तो पता है, कॉट क्या है? यहाँ पे लिख दो ऊपर फॉर्मूला बोल के। कॉट क्या है? कॉट थीटा इक्वल्स टू वन बाई टेन थीटा। थोड़ी देर पहले बोला ना cot tan का इनवर्स है, मतलब cot theta क्या है? 1 by tan theta। sec किसका इनवर्स है? cos का। तो sec theta equals to क्या होगा? 1 by cos theta। और cosec किसका इनवर्स है? sin का। तो cosec theta equal to 1 by sin theta। ठीक है, ये तीन चीज दिमाग में रखना। और एक फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर माय गॉड चल रही नहीं बेचा, इसके नीचे लिखना। ठीक है, एक है तुम्हारा tan theta, tan theta equals to sin theta by cos theta। ठीक है, और एक है तुम्हारा cot theta। देखो cot किसका उल्टा होता है? tan का उल्टा होता है। तो tan equals to sin by cos होने से cot equal to क्या होगा? cos theta by sin theta। क्लियर दिस मच? अभी आते हैं पहले एग्जांपल की तरफ। ठीक है, एग्जांपल वन, उतना तक तो समझ में आ गया होगा जितना समझाया अभी के लिए, इतना तक ही काफी है। फिर बाद में जब न्यूमेरिकल करेंगे, कोई अगर छूट गया तो मैं बोल दूंगा। ठीक है, एग्जांपल वन निकालो, पेज नंबर 178। क्या है देखो, गिवन tan a। अच्छा, मैंने जो बोला था कि ट्राइंगल में, सपोज राइट एंगल ट्राइंगल ये है, इसमें अगर a B, C है, ठीक है, B 90 डिग्री, तो इसमें tan थीटा, यहाँ पे थीटा बना के थीटा लिखना जो बात है, tan ऑफ एंगल A बोलने से भी क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट करता है सेम थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, गिवन गिवन क्या है कि tan ऑफ A इक्वल्स टू 4/3, tan A equals to क्या है 4/3, ये तुम्हें बताना है। तो मैं क्या बोला, find the other trigonometric ratios, मतलब हम लोगों को क्या क्या बताया है trigonometric ratios, क्या क्या है? sin, cos, tan, cot, sec, cosec, इसमें से tan का वैल्यू हमको पता है, you need to find the rest remaining 5 trigonometric ratios। ठीक है, तो a का निकालने बोला, देखो ध्यान रखना a बोला, मतलब इसी को थीटा लेना पड़ेगा, मतलब इसी का बात बोल रहे हैं हम लोग, थीटा जरूरत नहीं है, सेम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी तुमको ये गिवन है, तुम फटाफट क्या लिखोगे इसका, ये अगर a है तो ये हो जाएगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, ये तुम्हारा पहले से ही क्लियर कर दो। ठीक है, क्योंकि एंगल का ऑपोजिट वाला जो साइड है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर, इसको बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा या फिर tan a का फॉर्मूला क्या है? टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, मतलब tan की जगह हम लोग परमानेंटली ब्लैक, मतलब bc ब्लैक, मतलब बेस, मतलब ba इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 4/3, tan a की जगह tan a का वैल्यू लिखो और यहां पे 4/3 एंड मेक दैट एज k से। ठीक है, अगर ऐसा लिख सकते हैं, मतलब BC का वैल्यू क्या होगा, BC का वैल्यू होगा 4 into k, तो therefore BC equal to 4k, और BA का वैल्यू क्या होगा, BA का वैल्यू होगा 3k। देखो याद रखना this is a ratio, तो काटा कूटी जाएगा ना, चाहे तुम एंगल को लेंथ इस तरफ बढ़ाओ या इस तरफ बढ़ाओ, तो वो क्या रहेगा, एंगल तो सिमिलर ही रहेगा। सो इफ द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल सिमिलर है, तो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसका साइन या फिर कॉस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या लिखा है, BC इक्वल टू 4k और BA इक्वल टू 3k।
अभी जब इसका रेशियो निकालोगे बीसी है बीसी बाई बी ए तो क्या 4k बाई 3k के कैंसिल जाएगा रहेगा क्या 4:3 ठीक है तो वही लॉजिक हमने लगाया लेकिन वी कैन नॉट से कि बीसी 4 होगा और बी ए 3 होगा राइट मल्टीपल्स ऑफ समथिंग तो इसलिए हमने k लिखा है यहां पे तो फटाफट बीसी इक्वल टू कितना है बीसी इक्वल्स टू 4k है और बी ए कितना है 3k है ठीक है देखो अभी तुमको पाइथागोरस थ्योरम याद करना पड़ेगा बिकॉज बाय नोइंग दिस टू वैल्यूज मतलब बेस और परपेंडिकुलर अगर पता है उसको वी कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो देखो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव क्या मिलेगा मुझे एसी स्क्वायर ठीक है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर ठीक है तो AC AC तो निकालना है हमको चाहिए ये तो AC होगा AC स्क्वायर BC क्या होगा व्हाट इज BC 4k 4k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर तो 4 जस्ट 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर सो ये हो गया 25k स्क्वायर ये क्या है AC स्क्वायर का वैल्यू है नॉट AC तो AC इक्वल टू क्या होगा AC इक्वल टू रूट ओवर 25k स्क्वायर मतलब 5k एक स्टेप मैंने छोटा कर दिया तो तुमको क्या मिल गया AC का वैल्यू मिल गया AC कितना है 3k देखो अभी तुमको साइन कॉस ये सब जो निकालना है इफ यू नो द साइड्स यू कैन इजीली फाइंड द रेशियो राइट तो साइन ऑफ ए निकालना है क्या क्या निकालना है साइन ए कॉस ए टेन तो चलो है ही कॉट ए sec a और cosec a ठीक है देखो sin का वैल्यू क्या है sin मतलब सम इक्वल है मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज तो परपेंडिकुलर क्या है अच्छा लिख लो नहीं तो cb परपेंडिकुलर सम इक्वल है या फिर डिवाइड बाय ac तो cb क्या है cb है तुम्हारा 4k बाय ac क्या है तुम्हारा 3k तो काटाकुटी करो ना तो आएगा क्या अच्छा 4/3 ओनली 4/3 ठीक है और cos a मतलब curly brown है base by hypotenuse मतलब ab by ac ab by ac तो ab कितना होगा 3k ac कितना होगा 3k ओह सॉरी ये कितना निकला AC equal to 5k मतलब ये 4/5k होगा ये होगा 4/5 ओके तो 3 by कितना होगा 5k k के कैंसिल तो 3/5 सिमिलरली cot ऑफ एंगल a मतलब cot किसका ऑपोजिट था tan का ऑपोजिट तो डायरेक्टली ये 4/3 की जगह हम 3/4 लिख सकते हैं ठीक है sec किसका ऑपोजिट था cos का ऑपोजिट तो ये ab by ac है तो ये हो जाएगा ac by ab मतलब 5k by 3k मतलब 5/3 सिमिलरली cosec a क्या होगा sin का ऑपोजिट तो sin था cb by ac ये हो जाएगा ac by cb मतलब 5k by 4k के आंसर आई ओके 5/4 ठीक है सो एक अगर आउट ऑफ दिस सिक्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस अगर एक का भी वैल्यू तुमको पता है तो यू कैन फाइंड द रिमेनिंग वन बाय दिस मेथड क्लियर ये आएगा तुम्हारा बेसिकली 2 मार्क का क्वेश्चन ठीक है इतना सब टेस्ट करने के बाद 2 सब नहीं देगा शायद 2 या 3 ही देगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए ठीक है क्लियर दिस मच अच्छा अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं 2 में बाद में कराऊंगा बिकॉज देयर इज टू मच टू टेक इन एक साथ में अगर इतना करा दो तो 3 वाला इजी है इसलिए 3 वाला मैं दिखाता हूं देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बोला कंसीडर ए ट्रायंगल एसीबी रेक्टेंगल लेट सी मतलब ऐसा ठीक है एसीबी जिसमें रेक्टेंगल लेट सी बोल दिया है ठीक है AB equal 29 units AB मतलब ये वाला 29 units है
और BC equal to 21 यूनिट्स है, ठीक। एंड ABC इसको मैंने बोल दिया थीटा, मैंने उन लोगों ने बोला थीटा। तो बोला दो चीज निकालने के लिए, नंबर वन इज योर cos square theta plus sin square theta and number 2 cos square theta minus sin square theta, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया है, तो क्वेश्चन देख के तुमको समझ में आ रहा है ना कि हम लोगों को sin और cos का वैल्यू निकालना है, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखना, ये जो है cos स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या है, cos थीटा स्क्वायर मतलब जो cos थीटा का वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर करना और इसको रिप्रेजेंट करना, सेम चीज। बट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर मैंने लिखा cos ऑफ माइनस वन थीटा इज नॉट इक्वल टू cos ऑफ थीटा माइनस वन, ये इक्वल नहीं है, बट अदर देन माइनस बाकी जो स्क्वायर है क्यूब है सब ये चीज सेम होता है, ठीक है। दिस इज नॉट ओनली सेम, तो कंफ्यूजन में मत रहना, ठीक है। ये कभी भी यूज भी जरूरत नहीं पड़ेगा, तो यही पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्या है, cos का थीटा का मतलब है cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है। cos थीटा का जो वैल्यू आएगा वो जो रेशियो आएगा उसका स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली तुमको cos स्क्वायर थीटा निकालना है, मतलब cos का वैल्यू निकालना है। अच्छा, तो थीटा अगर ये है, ये हो जाएगा तुम्हारे लिए परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा तुम्हारे लिए बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ये पहले आइडेंटिफाई कर दो तुम लोग, ठीक है। तो अगर परपेंडिकुलर निकालना है देन वी हैव टू पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि दो साइड पता है, थर्ड साइड निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम करो पहले, अप्लाई अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा, ए बी स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर 29 स्क्वायर, ए सी स्क्वायर मतलब निकालना है तुमको प्लस सी बी स्क्वायर मतलब 21 स्क्वायर। सो आई एम नॉट गोना डू, तुम लोग ये कर लेना स्टेप्स करके। ए सी का वैल्यू निकालना, वो निकलेगा मैं देख के बता रहा हूँ, ए सी का वैल्यू निकलेगा 20, ठीक है। 20, ये हो गया तुम्हारा 20, ठीक है। अगर तीनों साइड पता है अभी तो रेशियो निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्या क्या चाहिए हमको, cos theta चाहिए और sin theta चाहिए। तो इसके ये करने के बाद हम लोग लिखेंगे sin theta equals to, sin theta का वैल्यू क्या है, सम पीपल है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मतलब 20 बाय 29, ये फिर लिख लो पहले, सम पीपल है मतलब 20 बाय 29 और cos theta मतलब curly brown hair base by reference मतलब BC by AB, BC कितना है 21, AB कितना है 29। तो ये मिल गया तुमको sin theta और cos theta का value मिल गया। तो पहला वाला निकालो, one क्या है cos square theta plus sin square theta, इसका मतलब मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला cos थीटा जो होगा उसका स्क्वायर, मतलब cos थीटा का वैल्यू क्या है 21 by 29 उसका स्क्वायर, ठीक है। इससे मीनिंग यही है, sin स्क्वायर थीटा लिखने के टाइम पे हम लोग स्क्वायर यहाँ पे देते हैं, थीटा के ऊपर नहीं देते, ठीक है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि cos थीटा होल स्क्वायर डज नॉट मीन cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर, जैसे xy होल स्क्वायर को लिखते हैं हम लोग x स्क्वायर * y स्क्वायर ना, मैं थोड़ी देर पहले बोला कि ये इनटू फॉर्म में नहीं है, ये जस्ट बगल में लिखता है, तो स्क्वायर का जरूरत नहीं है। तो व्हाट डज इट मीन, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेम चीज है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा मतलब 20 बाय 29 cos स्क्वायर। तो ये सॉल्व करो, 441 आएगा ऊपर और नीचे 29 का स्क्वायर कितना है 841, 841 प्लस 400 बाय 841, तो एलसीएम ले लो 841, तो रहेगा क्या 441 प्लस 400, तो होगा 841 बाय 841, दैट इज वन, ठीक है। ये मैंने कर दिया, ये तुम खुद से घर में करो, क्लियर दिस मच।
एग्जाम्पल फोर देखो अभी, एग्जाम्पल फोर क्या बोला, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल एट बी मतलब ये 90 डिग्री है ए बी सी, ठीक। इफ टेन थीटा इक्वल्स टू वन, गिवन क्या है, टेन थीटा या फिर टेन ए ना, हाँ टेन ए इज इक्वल टू वन पता है, देन वेरीफाई, वेरीफाई मतलब टू प्रूफ, टू प्रूफ, यहाँ पे भी टू प्रूफ है, टू प्रूफ क्या है, टू साइन ए कॉस ए इक्वल्स टू वन प्रूफ। देखो क्वेश्चन देख के तुमको समझ में आना चाहिए क्या चीज, दो चीज, कि टेन का वैल्यू वन है, टेन ए का वैल्यू वन है, ठीक है, तो वहां से तो मुझको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल जाएगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अगर वैल्यू दिया है और बाकी का निकालना है, देन वो पहला एग्जांपल ही वैसे किया था, के पकड़ के जो किया था, ठीक है, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम लोगों को साइन और कॉस ए का वैल्यू निकालना है, फिर एलएचएस में पुट करना है, इफ इट कम्स आउट, मतलब इसमें पुट करने के बाद एलएचएस अगर आ जाता है दैट मीन्स वेरीफाइड, ठीक है। तो पहले तो सोल्यूशन प्रूव नहीं चाहिए, सोल्यूशन टेन ए इक्वल्स टू वन, ठीक है, अभी tan a का वैल्यू क्या है, देखो अगर ये थीटा है मतलब ये एंगल को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा हम लोगों के लिए बेस, ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेन्यूज, तो tan का मतलब क्या है, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, मतलब BC by AB, BC by AB दैट इज 1, उसको ही k पकड़ लो तो दोनों ही k होगा, 1 है ना, मतलब 1 by 1, तो BC इक्वल टू क्या होगा 1k, AB इक्वल टू भी 1k, तो देयरफॉर BC इक्वल टू 1k और AB भी इक्वल टू 1k, मिल गया। अभी BC 1k, AB भी 1k, तो इफ यू नो द वैल्यू ऑफ दिस टू यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड वन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो अभी अप्लाई करो, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी तो पता नहीं है हमको, ए सी निकालना है, ये होगा 1k होल स्क्वायर प्लस 1k होल स्क्वायर, तो k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर कितना होगा 2k स्क्वायर, 1k स्क्वायर मतलब 1k स्क्वायर, अगर ए सी स्क्वायर का वैल्यू ये है तो ए सी का वैल्यू क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 2k स्क्वायर, तो k स्क्वायर से तो k निकल जाएगा एक बाहर, ऊपर से रहेगा क्या रूट के अंदर 2 k, ओके मतलब ये क्या हो गया तुम्हारा k रूट ओवर 2, तीनों साइड मिल गया तुमको। अभी निकालना क्या है, बेसिकली sin a और cos a का वैल्यू, तो sin a सम पीपल हैव, पीपल मतलब bc, हैव मतलब हाइपोटेन्यूज ac, तो BC by AC क्या होगा, BC है 1K, AC कितना है K root over 2, K के cancel 1 by 2, और यहाँ पे हमको चाहिए cos A, cos A curly brown hair, brown hair मतलब AB by AC, AB है 1K, AC है k root over 2, यहाँ पे भी k के जाएगा तो रहेगा 1 by root 2, मिल गया सब चीज़ मिल गया। अभी बैठा दो LHS, LHS equal to क्या होगा 2 cos A, oh sorry 2 sin A cos A, 2 sin A cos A मतलब 2 into sin A का वैल्यू क्या है 1 by root 2 into cos का वैल्यू क्या है 1 by root 2, तो 1 by root 2 into 1 by root 2 मतलब क्या, 1 by 2, 2 और root 2 मिलके हो जाएगा 2, तो 2 gets cancel और रहेगा 1, that's equal to RHS, तो hence verify if that नीचे, समझ में आया, it's a very simple question, clear this much, okay, अभी आते हैं exercise 8.1 में, exercise 8.1 जिसमें मैं तुमको homework दूंगा, number 1 देखो क्या है, triangle ABC, right angle at B,
एक ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल एंड बी, मतलब ये होगा एबीसी, उसमें ए बी पता है तुमको 24 एंड बी सी पता है तुमको 7, सो ऑब्वियसली दो पता होने से वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम टू गेट द वैल्यू ऑफ एसी, राइट, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना। फिर बोला तुमको डिटरमाइन साइन ए, देखो ए जब लोगे तब क्या होगा, ये हो जाएगा तुम्हारे लिए बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, वो ध्यान में रखना, वैसे साइन ए और कॉस ए निकालना। नेक्स्ट बोला साइन सी और कॉस सी, सेम डायग्राम, सिर्फ ये नहीं होगा सेकंड टाइम ये होगा, इसके लिए ये बन जाएगा तुम्हारा बेस और ये बन जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर, ठीक है, बाकी तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सम पीपल हैव वो वाला लगा के निकल जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है इतना तो। ये वन इज योर होमवर्क। नंबर टू, इन फिगर दिस, एक फिगर दे दिया है तुम्हारे पास, ठीक है, उसमें से ये पता है 12, ये पता है 13, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन फाइंड द थर्ड वन, राइट। फिर तुमको निकालना है टेन पी, अच्छा ये है पी क्यू आर, तो तुम्हें पहले निकालना है टेन पी माइनस कॉट आर, टेन पी जब लोगे मतलब ये होगा थीटा, मतलब ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। सेम क्वेश्चन है कॉट आर, जब आर लोगे सेकेंड वाले के लिए तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, तो वो ध्यान में रखते हुए फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना, ठीक है, कर पाओगे, टू नंबर भी होमवर्क। नंबर थ्री तो कर पाओगे ही, साइन ए इक्वल्स टू 3/4, बाकी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने दिया, फोर भी कर पाओगे, फोर में सिर्फ ये है कि 15 कॉट ए इक्वल्स टू 8 दिया है, तो कॉट ए इक्वल्स टू क्या होगा 8/15, ठीक है, फिर तो बाकी जो हम लोगों ने पकड़ा है के पकड़ के वैसे ही करना पड़ेगा, तो 4 भी होमवर्क, 5 भी होमवर्क, 5 भी होमवर्क, सेम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 1 दिया है बाकी का निकालना है। एंड ट्राई टू डू क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में, मतलब मैंडेटरी नहीं है, खुद से ट्राई करना, ठीक है, 9 तो कर ही पाओगे, देखो 9 कर पाओगे, 8 तो थोड़ा ट्राई करना। 9 क्या बोला, इन ए रेक्टेंगल ट्रायंगल एबीसी, रेक्टेंगल एट बी, तुमको निकाल दिया है 10a का वैल्यू, 10a का वैल्यू दिया है 1/√3, तो वहां से k लेके जो हमने निकाला ये दोनों मिल जाएगा तुमको k का रेशियो में, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेना, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद साइन ए जो जो तुम्हें निकालना है, साइन ए कॉस सी, साइन ए का वैल्यू अलग से, कॉस सी का वैल्यू अलग से, सबका वैल्यू जो जो निकालना है वो निकाल लेना, फिर उसके बाद जो नंबर वन दिया है वो सॉल्व करना, नंबर टू दिया है वो सॉल्व करना, ठीक है, समझ में आया। सो आई एम गोना गो नाउ एंड एडिट यू अप एंड अपलोड, और क्या था ओ सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग घर पर रहना, सेफ रहना।